नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 7 और 8 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो IRDAI ने डायरेक्ट किया है SBI लाइफ को कि आप टेक ओवर करिए सारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस। ठीक है, IRDA जो है उसका फुल फॉर्म आपको पता रहना चाहिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो बॉडी है ये जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है उसका पूरा का पूरा रेगुलेशन वगैरह कराती है। ठीक है, जो भी कानून कायदे वगैरह वो सब यही इसके कानून कायदे के हिसाब से ही सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी को चलना पड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एज द एक्वायरर इंश्योरर ऑफ द बिजनेस ऑफ द बिलोगेड सारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, SBI लाइफ को बोला है आप इसका बिजनेस को भैया टेक ओवर करिए। ठीक है, ये इसलिए हुआ क्योंकि जो SILIC मतलब सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसकी जो फिनेंशियल हेल्थ है ये दिन पर दिन डिटूरिएट होते जा रही है। मतलब इसकी जो फिनेंशियल हेल्थ है वो ख़राब होते जा रही है। तो उसकी फिनेंशियल हेल्थ ख़राब होने के कारण क्या हो रहा है, जो पॉलिसी होल्डर्स है उनको नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए SBI लाइफ शेल टेक ओवर द पॉलिसी लाइबिलिटीज़। तो इसके कारण पॉलिसी की लाइबिलिटीज़ SBI लाइफ को लेना पड़ेगा। ठीक है, और लगभग 2 लाख पॉलिसी है SILIC की। ठीक है, तो ये सारा का सारा उस पर इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, तो SBI लाइफ टेक ओवर करेगा सारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो मिंत्रा, बहुत ही फेमस कंपनी है, सभी ने नाम सुना होगा। ठीक है, मिंत्रा और कोटक महिंद्रा बैंक ने मिलकर एक डिजिटल फैशन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लेकर आए हैं। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड इन पार्टनरशिप विथ मिंत्रा हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड को ब्रांडेड डिजिटल फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड, नेमली कोटक मिंत्रा क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये जो कार्ड है इसका नाम रहेगा कोटक मिंत्रा क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इसका एम क्या है, इसका एम है कि भैया जो ट्रेंडी और जो न्यू एज कंज्यूमर्स है उनको एक अच्छी चॉइस दे सके उनकी फैशन नीड्स के लिए। ठीक है, और ये जो कार्ड रहेगा मास्टर कार्ड और रुपे दोनों नेटवर्क पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और आप इसको मिंत्रा एज वेल एज कोटक मोबाइल एप्लीकेशन से दोनों जगह पे अवेलेबल है, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कार्ड रहेगा डेडिकेटेडली फैशन शॉपर्स के लिए रहेगा जो कि मेट्रोज में रहते हैं, Tier 1, Tier 2 and Tier 3 में रहते हैं। ठीक है, कुछ ज्वाइनिंग फीस एंड एनुअल फीस है ये वाले क्रेडिट कार्ड के लिए जो कि 500 रुपया एक साल का। ठीक है, काफ़ी सारे कार्ड्स फ्री आते हैं पर ये वाले कार्ड में कुछ काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होने की वजह से एक ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से। ठीक है, इसमें 7.5% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा कितने भी ट्रांजेक्शन करो आप मिंत्रा के ऊपर, और ये जो डिस्काउंट मिलेगा वो 750 रुपये तक के मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 10 ट्रांजेक्शन पर ही डिस्काउंट देंगे बाद में नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलेगा मिंत्रा इनसाइडर पे। ठीक है, उसी के अलावा अगर आप स्विगी इंस्टामार्ट PVR क्लियर ट्रिप अर्बन कंपनी पे अगर परचेस करते हो तो वहाँ भी आपको 5% का कैशबैक दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरे जो भी आप स्पेंड करोगे क्रेडिट कार्ड के द्वारा तो वहाँ पे आपको 1.25% का कैशबैक और दिया जाएगा। मतलब काफ़ी ज़बरदस्त कार्ड है बहुत सारे फीचर्स के अंदर। ठीक है, क्वार्टरली माइलस्टोन ऑफ 2 PVR मूवी टिकट रहेगा और 500 रुपये का ई वाउचर भी दिया जाएगा जब आपका कार्ड एक्टिवेट होगा तब। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो सर्बानंद सोनोवाल, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज एंड आयुष मंत्री है। ठीक है, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल चेन्नई से श्रीलंका की ओर। ठीक है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वेस्टरवेज एंड आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल फ्लैग्ड ऑफ द मेडन इंटरनेशनल क्रूज वेसल MV एक्सप्रेस। ठीक है, इसका नाम भी याद रखो MV एक्सप्रेस। अंदर अंदर से सवाल पूछते तो आपको ये इंटरनेशनल क्रूज वेसल का नाम भी पता रहना चाहिए। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल फ्रॉम चेन्नई टू श्रीलंका। ठीक है, ये चेन्नई से किया है उन्होंने यहाँ पे रवाना इसको। ठीक है, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इंटरनेशनल क्रूज टूरिज्म टर्मिनल एट चेन्नई बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 17.21 करोड़। ठीक है, 17.21 करोड़ में इंटरनेशनल क्रूज टूरिज्म टर्मिनल बनाया है और अभी ये पहली वहाँ से शिप वहाँ से गई है, पहला क्रूज गया है। ठीक है,
heralding a new age of cruise tourism and maritime trade in the country. Coinciding on the occasion of Environment Day, the Union Minister Shri Sarbananda Sonowal along with port official also planted 2500 tree saplings at the port. ठीक है, ये जो कार्यक्रम हुआ ये इन्वायरमेंट डे के दिन हुआ, तो पोर्ट के आसपास में उन्होंने 250 ट्री सैपलिंग्स भी लगा दिए, मतलब इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जा रहा है. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक डे को लेकर है. ठीक है, 7 जून जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे करके मनाया जाता है हर साल अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, और इस बार की थीम थी फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ, ये थीम थी. ठीक है, और जो सबसे पहला जो ये डे मनाया गया था दिसंबर 2018 में मनाया गया था. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो सेबी ने प्रपोज किया है कि भैया जो आईपीओ की लिस्टिंग है, मतलब जब आईपीओ निकलता है उसके बाद में जो लिस्टिंग होंगी वो 6 दिन की जगह 3 दिन में करो. ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, इससे इफिशेंसी इंप्रूव होगी. ठीक है, सेबी हैज़ प्रपोज टू हाफ द टाइम टेकन फॉर द लिस्टिंग शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस आफ्टर द क्लोजर ऑफ द आईपीओ ऑफर टू 3 डेज फ्रॉम 6. ठीक है, अभी क्या होता है, अगर आईपीओ का ऑफर अगर आता है तो आईपीओ खत्म होने के 6 दिन के बाद में वो शेयर की लिस्टिंग होती है शेयर बाजार के ऊपर. ठीक है, तो सेबी ने बोला है इसको 6 दिन काफ़ी लेट होता है, 6 दिन की जगह आप 3 दिन में करो. ठीक है, दिस चेंज इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट बोथ द कंपनीज इशूइंग द शेयर एज वेल एज इन्वेस्टर. इससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भैया जो कंपनी है और जिसको शेयर मिले हैं, ठीक है, दोनों को इसमें बेनिफिट होगा. ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड दिस प्रपोज रिडक्शन इन टाइमलाइन इज रिलेटेड टू सेबीज इंट्रोडक्शन ऑफ द UPI एज एन एडिशनल पेमेंट मैकेनिज्म फॉर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. ठीक है, आप मतलब डायरेक्टली UPI के द्वारा भी अभी आप मतलब IPO में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो सेबी ने बोला है कि भैया हम UPI के द्वारा पेमेंट ले रहे हैं, मतलब डायरेक्टली बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट पैसा ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, तो आप इसका जो टाइमिंग है लिस्टिंग का वो जरा सा कम करिए. ठीक है, इससे क्या होगा, इश्यूअर्स विल हैव फास्टर एक्सेस टू द कैपिटल रेस. ठीक है, जल्दी से वो जो पैसा लगा है वहाँ पर उसको जल्दी वो एक्सेस कर पाएंगे. ठीक है, देयर बाय इन्हांसिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द इन्वेस्टर्स विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू हैव अर्ली क्रेडिट एंड लिक्विडिटी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, और जल्दी से मतलब जो इन्वेस्टर रहेगा उसको जल्दी से क्रेडिट और उसकी लिक्विडिटी मिल जाएंगी. अर्ली क्रेडिट मतलब क्या होता है, जब आप आईपीओ में जब आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो सभी को शेयर्स अलॉट नहीं होते. ठीक है, वहाँ पर एक कुछ कंपनीज लकी का सिस्टम चलाती है. ठीक है, लकी ड्रॉ वगैरह का बहुत सारे सिस्टम रहते हैं. तो क्या होता है, अगर आपको आईपीओ में अगर शेयर अलॉट नहीं हुए तो आपका जो पैसा है वो वापस हो जाता है. ठीक है, तो ये इसमें भी मतलब आपका जो पैसा वापस आएगा वो भी जल्दी आ जाएगा, और अगर आपको शेयर मिल गए हैं तो आपको आपके जो इन्वेस्टमेंट किए हो उसको जल्द से जल्द लिक्विडिटी मिल जाएगी. तो अच्छा मूव है ये. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन अंडरस्कोर्स डीपनिंग कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर. ठीक है, इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में थोड़ा सा कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए अंडरस्कोर किया गया है मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर. ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन अंडरस्कोर द डीपनिंग कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द मालदीव्स अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स. ठीक है, द मिनिस्टर हु इज ऑन हिज मेडन विजिट टू मालदीव्स. ठीक है, ये उनका पहला विजिट है मालदीव्स का. उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया माले में, माले जो है मालदीव्स का कैपिटल है. ठीक है, आफ्टर साइनिंग ऑफ 10 अग्रीमेंट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन 11 एटोल्स. ठीक है, 10 अग्रीमेंट साइन करने के बाद में उन्होंने मीडिया को भी वहाँ पर एड्रेस किया. ठीक है, ताकि इसका जल्द से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो सके. द प्रेस्टिजियस ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट वैल्यूड एट $500 million वॉज ऑल्सो एम्फेसाइज एज अ की कैटलिस्ट फॉर द मालदीवियन इकोनॉमी. ठीक है, उसी के अलावा मिनिस्टर ऑल्सो हैंडेड ओवर अ बैच ऑफ ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन टू मालदीव्स अपॉन अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द नेशन. ठीक है, मालदीव्स वालों ने भैया रिक्वेस्ट किए थे कि कुछ हमको टीबी की मेडिसिन दे दो, तो वो भी उन्होंने वहाँ पर जाके उनको हैंड ओवर की. ठीक है, उसी के बाद में लास्ट में उन्होंने एक कर्टसी विजिट भी दे दिया मालदीव के प्रेसिडेंट को, जिसका नाम है इब्राहिम सोली, और अपने कुछ व्यूज एक्सचेंज किए ताकि कैसे दोनों भी जो कंट्रीज है उसका बायलेटरल कोऑपरेशन कैसे अच्छा किया जा सके. ठीक है, तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए ये यहाँ पर मूव लिया गया है. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ.
जो नेक्स्ट न्यूज है वो इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज रहेगा भिवंडी तालुका ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री कपिल पाटिल स्टेटेड दैट इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज बीइंग डेवलप्ड इन भिवंडी तालुका ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। ठीक है, 175,000 फार्मर आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ प्रधानमंत्री किसान योजना इन भिवंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, जो भिवंडी की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर 175,000 फार्मर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का फायदा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना क्या होता है आप मेरे को कमेंट में बताओ, मैं 2-3 दिन पहले के वीडियो में भी आपको ये वाले इसके बारे में बताया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, जेपी नड्डा जी का फुल फॉर्म याद रखो जगत प्रकाश, आजकल कभी कभी जो फेमस लोग हैं उनके फुल फॉर्म भी पूछ लेते, तो जेपी नड्डा आपने बहुत बार नाम सुना होगा, जेपी मतलब जगत प्रकाश नड्डा, एक बुक रिलीज किया है जिसका नाम है अमृतकाल की ओर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा रिलीज द बुक टाइटल अमृतकाल की ओर इन न्यू दिल्ली बेस्ड ऑन 9 ईयर्स अचीवमेंट ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। जो 9 साल का जो अचीवमेंट है उसको पूरा का पूरा इसमें बताया गया है। ठीक है, मिस्टर नड्डा सेड द 9 ईयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट हैव ट्रांसफॉर्म्ड द कंट्री एंड इट्स प्रोग्रेस इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड टुडे। ठीक है, 9 सालों में उनका कहना है कि मोदी गवर्नमेंट ने देश को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है और अभी जो विश्व है भारत को बहुत अच्छे इससे दिखता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आरबीआई गवर्नर ने लॉन्च किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड जिसका नाम है अंतर्दृष्टि। ठीक है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास लॉन्च अ फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि टू प्रोवाइड, इससे क्या होगा, टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इनसाइट टू असेस एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय कैप्चरिंग रेलेवेंट पैरामीटर्स। ठीक है, रिक्वायर्ड इनसाइट्स मिल सके और जो प्रोग्रेस है फाइनेंशियल इंक्लूजन का उसको असेस कर सके। ठीक है, दिस टूल विल मेक इट पॉसिबल टू असेस द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एक्सक्लूजन एट अ लोकल लेवल अक्रॉस द नेशन सो दैट सच प्लेसेस मे बी एड्रेस्ड। करंटली द डैशबोर्ड इंटेंडेड फॉर इंटरनल यूज इन आरबीआई विल फर्दर फैसिलिटेट ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू अ मल्टी स्टेक होल्डर ऐप। फिलहाल सिर्फ इंटरनल यूज के लिए, आगे में सबके लिए हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन मेजर करने के लिए 2021 में आरबीआई ने एक इंडेक्स भी लेके आया था जिसका नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंडिया जो है, इंडिया सेट टू रिमेन यूएई लार्जेस्ट एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन बाय 2030। ठीक है, 2030 तक के यूएई का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रहेगा इंडिया। ठीक है, India is set to remain the UAE's largest export destination by 2030, according to a new report by Standard Chartered. ठीक है, the report titled "Future of Trade: New Opportunities in High Growth Corridors" forecast that UAE's export will reach around $543 billion by 2030, showcasing a robust annual growth rate of 5.5%. ठीक है, the report also highlights that trade corridors anchored in Asia, Africa, and Middle East are expected to outpace the global trade growth rate by almost 4 percentage point, propelling the combined trade volume in these regions to astounding $14.4 trillion का लगभग ट्रेड होगा करके बता रहा है। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर 44% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड बाय 2030। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है NIRF रैंकिंग 2023 के लिए। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टुडे अनाउंस द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग फॉर द ईयर 2023। IIT मद्रास जो है वो डिक्लेयर किया गया है बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर ओवरऑल कैटेगरी। ठीक है, IISc बैंगलोर को सेकंड पोजीशन मिला है एंड IIT दिल्ली को थर्ड पोजीशन मिला है सेम कैटेगरी में। ठीक है, मतलब ओवरऑल कैटेगरी में नंबर एक पे IIT मद्रास, नंबर दो पे IISc बैंगलोर, नंबर तीन पे IIT दिल्ली। ठीक है, उसके बाद में एम्स जो है फिफ्थ पोजीशन और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU न्यू दिल्ली गॉट अ 10th पोजीशन इन द ओवरऑल कैटेगरी। ठीक है, इन द कैटेगरी ऑफ टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री IISc बैंगलोर इज इन फर्स्ट पोजीशन एंड JNU इन द सेकंड पोजीशन। यूनिवर्सिटी की बात की है तो IISc बैंगलोर फर्स्ट, JNU सेकंड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो कार्बन कार्ड लॉन्च हुआ है इंडिया में, पहला मोबाइल बेस्ड एक्सपेंस मैनेजमेंट कार्ड, कार्ड प्लस प्लस। ठीक है, कार्बन कार्ड अ B2B पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट मोबाइल बेस्ड एक्सपेंस मैनेजमेंट कार्ड कॉल्ड कार्ड कार्ड प्लस प्लस। ठीक है,
ये बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेस को हेल्प करने के लिए, अभी क्या हो रहा है डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारे पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना पड़ रहा है छोटे छोटे बिजनेसमैन को या जो स्टार्टअप्स है उनको, तो उनको ये बड़ा काम में आएगा कार्ड प्लस प्लस। ठीक है, ये जो कार्ड प्लस प्लस है फ्री टू यूज़ है एंड कम्स विद एन अनकैप्ड कैशबैक ऑफर्स। इट इज़ करंटली लाइव एंड ऑलरेडी गेनिंग मैस ट्रैक्शन अमॉन्ग बोथ स्टार्टअप्स एंड स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज। ठीक है, इसमें जो फीचर है अलाउ करते हैं आपको पेमेंट आप कर सकते हो गूगल के ऊपर, अमेजोन के ऊपर, स्विगी के ऊपर, ओला के ऊपर। ठीक है, और इट ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूजर फ्रेंडली एक्सपेंस मैनेजमेंट एक्सपीरियंस विद ए टू क्लिक साइनअप प्रोसेस। फटाक से आप साइनअप करके इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इनिशिएटिव एंड्रॉयड ऐप फॉर ऑन द गो एक्सेस, सीमलेस टॉपअप ऑप्शंस एंड एक्साइटिंग अनकैप कैशबैक ऑफर फॉर स्पेंड्स। ठीक है, और ये कार्ड का एम है कि भैया 5,000 नए कस्टमर को हम लोग ऑनबोर्ड कर लेंगे 2023 के अंत तक के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बानस डेयरी ने इनॉग्रेट किया है पहली हनी टेस्टिंग लैब गुजरात में। ठीक है, बानस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन बानस डेयरी हैज इनॉग्रेटेड गुजरात्स फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी एट बानस डेयरी कॉम्प्लेक्स एट बादरपुरा नियर पालनपुर इन नॉर्थ गुजरात। नॉर्थ गुजरात में ये हुआ है। ठीक है, द न्यू लैब वुड ऑल्सो बी ओपन फॉर अदर कोऑपरेटिव अंडर द अमूल अम्ब्रेला टू कंडक्ट टेस्ट ऑन क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द हनी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओन ब्रांड्स बानस हनी एंड अमूल हनी। ठीक है, हनी का पूरा वहाँ पर टेस्टिंग होगा। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो लैब बनी है इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड किया है। ठीक है, और ये इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटी से क्या होगा, जो हनी को टेस्टिंग करने की कॉस्ट है वो तो कम होंगी, साथ में जो टाइम जो लगता था, जो पहले 15 से 20 दिन लगते थे वो अभी 6 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 7 और 8 जून के। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर जरूर करिए, ताकि आपके जो मित्रगण है जो भी गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, उसको भी कुछ हेल्प मिल जाएंगी, उसको भी कुछ मदद मिल जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।